कुलदीप नाम है बाबा मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं आया मेरठ मुलेडा गांव। हैं? मेरठ से मुलेडा गांव से। पहली बार आए हैं? दरबार में दो बेर आ लिया, बालाजी बागेश्वर धाम 3-4 बजे चला गया बाबा। अच्छा, यहाँ किसी को आपने अपना नाम या विषय तो नहीं बताया? कुछ नहीं बताया बाबा। किसी ने पूछा तो नहीं? ना बाबा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर हर। बाबा मैं तो बहुत नीच हूँ, मुझे हर चीज कैसे लगी। हनुमान जी की दया, हनुमान जी अवगुण नहीं देखते हैं। चलो रो मत, क्या समाधान पाना चाहते हो आप? दिमाग खराब हो रहा बाबा। तो डॉक्टर को नहीं दिखवाया आपने? ना वो वाला ना। क्यों? वैसी प्रॉब्लम ना है, जो दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच। पढ़े लिखे हो आप? थोड़ा बहुत। तो पहले रोना बंद करो, हम भी थोड़ी बहुत पढ़े, स्कूल के पीछे पढ़ाते रहे, इसीलिए तो पर्चा बना रहे, नहीं तो कुछ बनना गए होते अधिकारी। पढ़ो ये क्या लिखा। पूर्व में गलत रास्ते पर थे, बहक गए गंदी चक्कर में पड़ गए, समझ जाओ हम बताना नहीं चाह रहे। हाँ, कुलदीप नामक अर्जी में प्रेत बाधा का प्रभाव उसी के द्वारा किया गया है, तंत्र शक्ति है, गंदी विद्या का प्रभाव, पागलपन का प्रभाव है, दिमाग चढ़ता है, आराम 2025 17 अगस्त के बाद से आपको लगने लगेगा, जाओ आशीर्वाद है। बराबर, माइक से बोलो, पहले रोना बंद करो। हाँ बाबा, हाँ ठीक है बाबा। अभी प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, उसमें बैठना है, हम विधि कर दे भी, 11 मंगलवार तुम्हें चोला चढ़वाना है, वहाँ से आपको उपाय समझना है, और प्रेतराज सरकार के दरबार में अनवरत 21 पेशी की पद्धति करनी है, जाओ आज से ही तुम्हें आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। बाबा मेरा एक दोस्त है, वो विदेश जाना चाहे। आए हैं वो, आ जाएंगे क्या? यही है गौरव नाम का लड़का, जल्दी आ जाओ। अच्छा तुम बुला रहे हो, तुम पर्चा बना दे का उनको? तुम बनाओगे बाबा? हम बना भी। अगर हमने ना बनाओ तो क्या कर ले हो? ना बाबा बना दे। मान लो हमने ना बनाया तो क्या कर लोगे? परेशान। नहीं नहीं, अगर मान लो हमने ना बनाया तो क्या कर लोगे, क्या लड़ोगे हमसे? कुछ नहीं बाबा, मैं तो कहाँ जाना चाहता, कहाँ जाना चाहता है वो विदेश जाना चाहे, कोई से विदेश। विदेश में कहाँ, कोई देश तो होगा। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या? सीधा विदेश भर जाना है? विदेश तो नेपाल भेजे दे रहे हो? नहीं ऑस्ट्रेलिया बाबा। नेपाल भी विदेश ही है। पढ़ो, मित्र आपका विदेश जाएगा, पूर्व में यूएसए जाना था, अब ऑस्ट्रेलिया का योग है, एक वहां मित्र रहता है, जा पाएगा, वीजा में अभी अवरोध है, 1.5 वर्ष के अंतर्गत यात्रा बनेगी, आशीर्वाद है। घर में बहुत परेशानी हो रही बाबा। धाम का नियम करो, जो पद्धति दी उसको करो, हनुमान जी महाराज दया करेंगे। उठो भगवान, अगला नंबर आने दो, रोना नहीं आज से, भजन करना, ठीक है, हम उपाय कर देंगे और तुम आज से ही ठीक हो जाओ। खुश? अभी प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, उसमें बैठ जाइए। अच्छा, पहली बार आई? नहीं। हाँ बिना माइक के बोल सकते? अरे कैसी बात कर। अच्छा वो आपका बैनर, पहले बैनर दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अगले दरबार से बैनर ले ले आ जाओ। हो आओ, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। किसी को आपने अपना विषय तो नहीं बताया? आप अपनी चिट्ठी खोलो प्रश्नों की, बोलो क्या समाधान चाहते हैं। जी जी ठीक है, हम बताएंगे, हमारे पास उत्तर है।
देखो हमारे जो पर्चे में आया, पहले हम इसमें आपको संकेत, माइक ले सकते हैं, हम कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे आपकी छवि को कोई दिक्कत हो। पहला, आप हाँ या ना बोलेंगी, अपना पर्चा आप स्क्रीन की तरफ बाद में करना, ऐसे ही बंद रखना, पहले हमारा सुनो। पर्चे में अनेक प्रश्न लिखे, 3 नंबर तक आपने प्रश्न लिखे और 3 स्टार बना करके लिखे, 3 प्रश्न और फिर 3 स्टार, ये भी पेन से आप बना करके लेकर के आई, हाँ या ना। हाँ। 1, पिता की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या से नहीं पितृदोष के कारण हुई है। 2, आपस में बहुत तनाव बना, गलत निर्णय हो गया गृहस्थ जीवन का, उसका उत्तर पाने आई हुई है। 3, घर में बीमारी की उठापटक का रहस्य जानने आई है, आपने घर में अर्जी लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? यस, आपकी परिवार की एक स्त्री द्वारा मायके पक्ष से तंत्र विद्या सन 2015 में प्रयोग की गई है, लेकिन धाम की अर्जी के बाद एक घटना घटी, इसके बाद में अभी वर्तमान में राहत है, आज से बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। अब आप अपना पर्चा स्क्रीन पर दिखाइए। जी एक मिनट में हम ये भी बता रहे हैं। धाम आना है बहना आपको, 14, 15, 16 में शरणागति महोत्सव होना है, उसमें आप ले सकते हैं। और हम पे छोड़ो बहना, और हम आपका एक उत्तर देने के लिए हम रुक गए थे, वो हम पहले ये वाला हम आपको बता देते हैं, इसके बाद में आगे की बात। ए बात ये है कि जो तंत्र विद्या भूत बाधा की गई, यह तंत्र विद्या 2 बार प्रयोग हुई है, सन 2010 में, तब पेट की दिक्कत, सिर की पीड़ा घर के सभी सदस्यों को प्रारंभ हुई थी लगातार। उसके बाद पिता को रोग बनाया गया जी। पिता ऐसे खत्म नहीं हुए, रोग बना है, रोग के कारण आपके पिताजी खत्म हुए हैं, इनको गंभीर लाइलाज रोग बना दिया था, इन्फेक्शन फैल गया था इनका, फिर कैंसर रोग का उसमें असर आ गया था, ठीक है, कैंसर 4th स्टेज तक गया था, मेडिसिन ने काम नहीं किया है, पहले आराम लग गया था, फिर से दोबारा प्रकट हुआ था। और घर पर आपके वर्तमान में उठापटक भी बहुत ज़्यादा मची, आपस में जो गृहस्थ का जीवन है, गृहस्थ के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, वह तुम्हारे पति का परिवार तुमको स्वीकार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी जो हमने कमी निकाली कि आपके पति का परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनका कहना है, अब उनके मन की बात हम जो बता रहे हैं, जो हमें सन्यासी बाबा ने बताई कि आपने जादू टोना करके उनके बेटे को वशीकरण किया है। गुरु जी, क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं, अब सच क्या है ये हनुमान जी जाने जी। कहते हैं क्या, इसीलिए उनका दिमाग उच्चाटित है और आप लोगों की लवेरिया वाली शादी है, तो गुरुजी का कहना है राम राम कि सामंजस्य बना रहेगा और तुम्हारा गृहस्थ नहीं टूटेगा, अलग नहीं होना है, जाओ आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो, ये तंत्र मंत्र के लिए हमें ये चीजें, हाँ हाँ, लेकिन हम संकेत भर में आप बस बड़ी आ हमारा नाम ना बताइयो, ना उपद्रव करवाइयो बहन, हम मर जाए भी बेटा, हम बहुत कमजोर आदमी हैं, क्योंकि तांत्रिकों के दुश्मनों के नाम बताना हमने बंद कर दिए, जब से हम बता रहे तब से हमारी तबीयत भी बहुत खराब है। आप बताइयो ना कृपा करके, हमने इसको मिटा भी दिया, ये फुल स्क्रीन पर सब लोग देख सकते हैं। जय सियाराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। पर इन्हीं का हाथ है, इन्होंने तंत्र विद्या धोबी से करवाई, धमकी देती थी, ईर्ष्या के कारण अभी भी हंसती रहती हैं, घर बर्बाद हो गया तो खिलखिलाती रहती हैं, और उन्होंने कहा था कि एक दिन घर बैठी रहेगी बिटिया, कुछ नहीं कर लेगी, माँ से ऐसा बोला था, अब उनसे कह दियो तुम्हारी ठठरी,
पकड़ो जाओ। अच्छा तुम जो एक 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 बात और रह गई, गुरुजी ने हमको कहा जो तुम बैठे बैठे कहती थी कि शायद अपने लोगों को ही बुला लेते हैं, हमको बुला पाना मुश्किल है, हमारा बताना मुश्किल है कि हम पापी हैं, अब तुम्हारी देखो पोल खुल गई। गुरुजी हमने ये कहा था कि क्या बालाजी को हम दिखाई नहीं दे रहे, और पापा के ऐसा होने के बाद क्या अब भी नहीं बुलाएंगे हमें, लेकिन आपने बुला लिया, हनुमान जी ने बुलाया, लेकिन अब ना मुँह चलाइयो नहीं तो अगली बार फिर हम और कुछ बता भी। जाओ बहना खुश रहो। सीताराम जय सियाराम। साधु जी बालाजी आइए, जब तक इनकी अर्जी स्वीकार तब तक अंगली आ गया, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम।